नमस्कार। भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति से दुनिया कोरोना और कोरोना जैसी अनेक सारी भयंकर बीमारियों से बचने के लिए तैयार है, क्योंकि भारतीय संस्कृति की प्रेरणा वो ले रहे हैं। लेकिन क्या हम भारतवासी खुद इस प्रकार की बीमारी से बचने के लिए तैयार हैं? आज बात करूंगा थोड़ी सी कड़वी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए। तो अब से लेकर अंत तक आप इस वीडियो को जरूर वॉच करना और आवश्यक चीजें नोट करने के लिए आप अपने पास डायरी पेन लेकर के रखिए, क्योंकि आज की बात में आपके और आपके परिवार के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करूंगा। साथ ही साथ बताऊंगा आने वाले होली के त्योहार पर हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए और ऐसा क्या करना चाहिए जिससे इस कोरोना वायरस की जो भयंकर महामारी हमारे भारत में भी प्रवेश कर चुकी है और कंटिन्यू 30 से ज्यादा केस इसके मिल गए हैं, तो हम कैसे उसको मात दे सकें। और साथ ही साथ वो छोटी छोटी बहुत सारी चीजें बताऊंगा जिन गलतियों को आप कॉमन करते हैं और सोचते हैं हमको कोरोना नहीं आ सकता, पड़ोसी को आ सकता है। लेकिन कोरोना जब आता है ना, तो न रिलीजन देखता है, न शक्ल देखता है, न रंग देखता है, न उम्र देखता है। जब वो आता है तो आता है, और जब आता है तो अपना रूप दिखाता है और मौत की घाट तक उतारने की ताकत रखता है। तो आज की इस मेरी विशेष कड़ी को आप जरूर देखिए और आवश्यकता होने पर उसको वॉच करिए और साथ ही साथ नोट भी बनाइए जो आपके लिए उपयोगी होंगे। मैंने आपको शेयर किया था कि दुनिया के वैज्ञानिक इस बात पर अनुसंधान करते हैं कि ऐसा क्या खास बनाया जाए, क्या खास किया जाए जिससे एक बार में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों को ध्वस्त किया जा सकता हो। और इसी सोच का एक परिणाम ये कोरोना वायरस है, क्योंकि परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, अनेक सारे बम के बाद भी उनको लगा कि ये नहीं तो जैविक बम कैसे चलाया जाए, ये उन्होंने शुरू किया। और उसका परिणाम है कि दुनिया खुद अपनी ही करतूत पर मौत के गर्त में जा रही है। लेकिन भारत की संस्कृति कितनी जबरदस्त है, कितनी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना को चरितार्थ करती है कि आज इसी संस्कृति के कारण दुनिया ने पैदा किया वह अपना भयंकर रोग, उसको समाधान करने का काम भारतीय संस्कृति कर रही है। इसके लिए हम भारतवासियों को गर्व करने की आवश्यकता है, गर्व के साथ कहने की आवश्यकता है। हाँ, हमारी वो हमारे ऋषियों की परंपरा लोगों को अनेक सारे कष्टों से निजात दिला रही है। तो सबसे बड़ी बात है, आपने देखा होगा इज़राइल के वहां के चीफ ने, वहां के राष्ट्रपति ने अपने अंदर ये अपने देश में घोषणा की कि भारत जिस प्रकार से नमस्ते करता है, हम सब अभिवादन नमस्ते करके करें। मैं साथ ही साथ बात करूंगा, इज़राइल तो ऐसे नमस्ते करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या भारत के लोग शेक हैंड करना कम करेंगे, या भारत के लोग भी अपने जूते से दूसरे के जूते को मिलाकर के नमस्ते करना शुरू करेंगे? तो नमस्ते भारत का है और भारत के लोगों को अभिवादन करने में गर्व महसूस होना चाहिए, न कि शेक हैंड करने में, क्योंकि शेक हैंड हाथ मिलाना बीमारियों का कारण होता है। एनर्जी ट्रांसफर भी होती है, वायरस ट्रांसफर भी होता है, बैक्टीरिया ट्रांसफर भी होता है, लेकिन प्रणाम डिस्टेंस भी रहता है, अभिवादन भी होता है और हृदय से हृदय की बात होती है। इसलिए कोरोना से फाइट करने के लिए बहुत पहली महत्व की बात है हम प्रणाम नमस्कार इस प्रकार का अभिवादन करें, न कि शेक हैंड करें, तो आप बच जाएंगे। नंबर एक। नंबर दो, इसी प्रकार से भारत की संस्कृति में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको जलाया जाता है। कितना वैज्ञानिक कारण था जलाना। कुछ लोग उन्होंने कहा क्या जलाते हैं, स्मेल होती है, प्रदूषण होता है। अब समझ में आ रहा है कि प्रदूषण नहीं है, सबसे बड़ा सबसे उपयोगी यही तरीका है। चाइना के अंदर हो या किसी भी देश में हो, इस समय पर जो कोरोना वायरस से प्रभावित लोग थे उनको न जमीन में गाड़ सकते हैं, न समुद्र में फेंक सकते हैं, न ही कुछ और कर सकते हैं। अब उनके पास एक उपाय बचा है और वो है केवल अंतिम संस्कार जलाकर करना, शवदाह करना। और वही शवदाह, वही संस्कृति जो हमारे पूर्वजों ने हमारे को दी, आज दुनिया उससे बच रही है। तो भारत के लोगों को भी यह सीखने की आवश्यकता है, रिलीजन की लाइनों से निकलकर बाहर जाएं। धर्म और संस्कृति एक बड़ी चीज होती है, रिलीजन बहुत छोटी चीज है,
पूजा पद्धति बहुत छोटी चीज है, रिलीजन और धर्म, तो धर्म एक बड़ी चीज है, जीवन जीने का तरीका है। तो आज इस सीख को लेने की आवश्यकता है कि जब किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको दफनाना नहीं है, उसको अन्य कोई तरीके से नहीं करना, उसको केवल जलाना चाहिए। यही भारतीयता है, यही मानवता है, यही शरीर का कल्याण का विषय है। और इसी तरह से अब बात आती है सीधी सीधी कोरोना की, क्योंकि कोरोना का प्रकोप भारत में कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा है, और हमें अनुमान था कि शायद मौसम बदल जाएगा तो कोरोना का प्रभाव कम हो जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से बारिश और ठंड दोबारा से आ गई है, ये कोरोना के लिए एक गुड एटमोस्फेयर है उसको स्प्रेड होने के लिए। और साथ ही साथ होली का त्योहार है, जब लोगों के जमावड़े होने वाले हैं, ऐसे में कोरोना अपना प्रभाव बहुत बुरी तरह से दिखा सकता है। और जो ईरान में हो रहा है, जो चाइना में हो चुका है, जो इटली में हो रहा है, और जो भारत विश्व के 80 से अधिक देशों के अंदर कोहराम हो रहा है, भारत क्यों उसे शिकार होना चाहिए? इसलिए पहले ही सावधानी की जरूरत है, सजगता की जरूरत है, जिसकी बात मैं आपको बताने वाला हूं। तो जो सावधानियां भारत सरकार ने बताई है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और उनकी पूरी टीम ने बताई है, और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने बात बोली है कि सबसे पहली बात है, होली तो हर साल आनी है, केवल इसी बार नहीं आएगी, सारे त्यौहार हर बार आने, लेकिन मृत्यु एक बार आती है, अगली होली देखने लायक बचेंगे तभी तो होगा ना। तो इसलिए होली पर क्या सावधानी रखनी है मैं बता रहा हूं। होली नहीं, इन जनरल भी जमावड़ों को कम करिए, अभी थोड़े दिन उत्सवों को कम कर दीजिए, खुशियां मनाइए, घर में मनाइए, परिवार मनाइए, कौन मना करता है खुशियां मनाने के लिए, लेकिन सबको साथ बुलाकर सबको मरवाने का काम मत करिए, अवॉइड करिए, कम से कम भीड़ में जाइए, प्रिकॉशन में रहिए। बात करना है डिस्टेंस के साथ बात करिए, आप अपने घर के सदस्य के साथ पास पास में बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इन्फेक्शन किसी को हो गया है तो डिस्टेंस बना लो भैया, अभी प्यार मत करो, दो दिन बाद प्यार कर लेना, पहले ठीक कर लो तब प्यार कर लेना, अभी करना जरूरी तो नहीं, पहले ठीक कर लो। तो डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, आप अपने मित्र हैं, अपने किसी से हो तो निश्चित, और अगर फिर भी आपको लगता है बहुत जरूरी है तो मास्क का यूज करो, मास्क पहनिए ना, पहन करके आप बात करिए, बहुत जरूरी है, काम के पास बात करिए, क्यों, वायरस के अंदर जाने का एक बड़ा माध्यम है वो है हमारा ये मुंह और नाक, रेस्पिरेटरी सिस्टम। मृत्यु तब होती है जब वायरस का इफेक्ट लंग्स पर पड़ता है, और जब रेस्पिरेशन को जब कंट्रोल में कर लेता है फिर बचाना मुश्किल हो जाता है। पहले सर्दी है, जुकाम है, चलेगा, गला खराब है, बुखार आ रहा है तो कंट्रोल हो सकता है, लेकिन अगर लंग्स पर इफेक्ट आ गया तब फिर उसको बचाना सरल नहीं है। तो जब ये स्थिति है तो डिस्टेंस से बात करो, मास्क लगाकर बात करो, बहुत आवश्यक है। इसी तरह से होली के त्योहार की बात मैं विशेष कर रहा हूं, और यह भारतीय संस्कृति के दिन है, और यही दिन दो प्रकार के संदेश आपको देती है, और वो है नित्य हवन करना, नित्य हवन। हवन में क्या डालें लिखो, नोट करो जो मैं बोल रहा हूं, हवन किस चीज का हवन करें जिससे कि सारा वायुमंडल शुद्ध हो जाए। तो पीपल की, आम की लकड़ी मिल जाती है मार्केट में, कॉमन है, पीपल की लकड़ी छोटी छोटी मिल जाती है, आम की लकड़ी छोटी छोटी मिल जाती है, बरगद की लकड़ी मिल जाती है, क्योंकि इनसे निकलने वाला धुआं डिटॉक्सिफिकेशन का कारण करता है, कार्बन लाने का कारण नहीं, डिटॉक्सिफिकेशन का कारण बनता है, इसलिए लकड़ियों में इनका, और भी है अनेक प्रकार की लकड़ियां, लेकिन पहले ये जो आपको कॉमन मिल सकती है मैं उसकी बात कर रहा हूं, नीम की लकड़ियों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर मजबूरी में नीम की लकड़ी भी हो तो भी चलेगा, गाय के उपले हो सकते हैं, ये भी मार्केट में कॉमन मिल जाते हैं, गाय के गोबर के उपले मिल जाते हैं, इनसे छोटा सा ही हवन करो घर में। हवन में डालें क्या, तो जो सामग्री बाजार में मिलती है उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, फिर भी अतिरिक्त चीजें जो डालनी है वो मैं बता रहा हूं, वो नोट करो, उनमें देसी गाय का घी, देसी गाय के नाम पर कोई भी मिले ले लो, ये मत सोचो है कि नहीं है, अरे जितना 80% होगा 70% होगा कुछ तो है, ले लो। तो देसी गाय का घी, उसी में गूगल आता है उसमें गूगल डालो,
और उसी के अंदर थोड़ा सा कपूर, कपूर डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि कपूर के जलाने से कपूर के और प्रयोग भी बताऊंगा मैं आपको, तो थोड़ा कपूर डालो। जावित्री का प्रयोग, जावित्री भी उसमें डालिए, बहुत उपयोगी है। और उस सामग्री में थोड़ा सा चाहो तो मिष्ठान के रूप में आप शहद डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं। बस इतना डालने के बाद आप हवन करिए, उसमें चावल भी डालिए। ये रूटीन में हवन करेंगे तो आपके रेस्पिरेशन में, आपकी जो श्वसन तंत्र है उसके अंदर डिटॉक्सिफिकेशन की, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा और रोग से लड़ने की क्षमता भी आ जाएगी, रोग निरोधक क्षमता भी आ जाएगी। इसलिए आपके घर की बात है ये हवन करने की। साथ ही साथ अब ये होली त्योहार आ रहा है ना, लेकिन इस बार ये जो मैंने चीजें बताई हैं इन्हें होली में जलते समय डालने के लिए जरूर जाना, और अपने बच्चे को भी साथ लेके जाना जिससे उसको समझ आए ये सारी चीजें डाली जाती हैं। और यह आपका डालना केवल वो होली में डालना नहीं है, आप पूरे उस एरिया को, और पूरे एरिया को नहीं क्योंकि सारी दिल्ली में नहीं, सारे भारत में होली जलती है, तो वो आपका यज्ञ, वो आपकी सामग्री सारे भारत को कोरोना वायरस से बचाने के लिए एक बहुत बड़ा कारगर उपाय साबित होगी। तो मेरा स्पेशल निवेदन है, ये मेरा मैसेज, हर घर में पहुंचाओ, हर घर में पहुंचाओ, हर व्यक्ति के पास पहुंचाओ, और इस वीडियो को हर व्यक्ति तक शेयर करो कि होली पर तुमने ये जो सामग्री मैंने बोली है इसको होली में डालने के लिए जलते समय जरूर जाना है। क्यों? ये डालने मात्र से हम होली के तुरंत बाद कोरोना के लिए, वायरस के लिए जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर उसका बहुत बड़ा एक अवरोध खड़ा कर देंगे, प्रदूषण को भी खत्म करेंगे और साथ ही साथ वायरस को खत्म करने की ताकत अपने वायुमंडल में खड़ा कर देंगे। तो इसीलिए होली आ रही है, चूकना मत, जरूर डालने के लिए जाना, आप भी, आपके परिवार के सदस्य भी और आपके फ्रेंड्स भी, सबको ये बात कहनी है। अब आती है दूसरी बात कि डेली रूटीन में हम अपने क्या जीवन में ऐसी चीजें अपनाएं जिससे कोरोना वायरस को हम बच सकें, हमारे बच्चे बच सकें। तो छोटे छोटे पुड़ियां आजकल बहुत कॉमन आ रही हैं और इस प्रकार की पुड़ियां बनानी है जो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये पुड़िया बनाई है ना मैंने, अब क्या है इसमें ये मैं आपको दिखाता हूं। बहुत बार चर्चा में चल भी रहा होगा लेकिन तो भी, ये पुड़िया जेब में रखनी है, और जेब में रखने से क्या होगा, आपके और आपके घर के सदस्य जिनकी जेब में भी ये पुड़िया रहेगी उनको इसकी खुशबू रहेगी, और खुशबू के साथ साथ किसी प्रकार का वायरस इस एरिया में नहीं घूमेगा। क्यों? इसमें क्या डाला है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो इसमें डाला है कपूर, इसमें डाली है लौंग, ऐसी 8-10 लौंग, ये लौंग, और डाली है इसमें इलायची, और इसमें जावित्री भी डालकर ऐसा करके सूती कपड़े में इस तरह से इसको रख लें, और रखने के बाद ऐसी ये जो रबड़ है ये रबड़ बैंड लगाकर एक छोटी सी गांठ बना लें, और गांठ बनाकर ऐसा आप अपने घर के बच्चों के, महिलाओं के, पुरुषों के, सभी पुरुष हैं यहाँ रख लें, ये अपने पास यहाँ रख लें, इससे क्या है इसकी खुशबू आसपास रहेगी और 1% कोरोना वायरस इन वायरस का इफेक्ट आपके आसपास नहीं आएगा, और जो आपके संपर्क में व्यक्ति आ रहा है तो इसकी स्मेल ही उस कोरोना वायरस को प्रोटेक्ट कराने में आपकी हेल्प करेगी। इसी तरह से आता है एक और प्रयोग, वो है गौमूत्र का, गौ अर्क की विशेष बात क्या है, ये भी बहुत ही ज्यादा एंटी इंफेक्शन वाला है, अगर इंफेक्शन कहीं फैल रहा है इसका उपयोग करें तो इसको थोड़ा सा 2 बूंद ऐसे लेकर ऐसे हाथों पर रखें, और ऐसे कपड़े पर लगा भी लिया हमने तो वहां वायरस नहीं बैठता है। आज के वैज्ञानिक भी जो प्रयोगशालाओं के अंदर इस प्रकार के शोध कर रहे हैं कि गौमूत्र के अंदर ऐसी क्या बात है जिसके कारण रेडिएशन का इफेक्ट नहीं होता, गौमूत्र में ऐसी क्या खास बात है जिसके कारण से वहां का वायुमंडल ठीक होता है जहां ये डाला जाता है। गौमूत्र को क्यों एक देवीय तत्व माना गया है, तो ये देवीय तत्व है, ये घर के अंदर इसी तरह से जब नहाते हैं तो एक ढक्कन पानी में डालें, आप उस पानी बाल्टी में एक ढक्कन डाल दें और उस बाल्टी के पानी से नहाएं, तो नहाने के बाद स्किन की और वायरस की और इन्फेक्शन की प्रॉब्लम्स बहुत कम हो जाती हैं, ऐसा प्रयोगों में देखा गया है। और ये इतने में ही नहीं, जब हम पोंछा लगाते हैं घर के अंदर, घरों में माता बहनें पोंछा लगाती है, तो उसमें भी दो ढक्कन डालने के बाद
इसके साथ कोई सुगंधित चीज दूसरी डाल सकते हैं क्योंकि इसकी एक स्मेल जरूर होती है, तो गौ अर्क भी हो सकता है। इसी प्रकार छोटी छोटी अनेक सारी चीजें घर के अंदर हैं जो हम अपनी साफ सफाई के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए कर सकते हैं, जिनको मैंने बात बताई आपको। घर में शंख है, अगर घर में आपको ये लगता है कि केवल ब्राह्मण ही शंख रख सकता है तो गलतफहमी है। शंख कभी भी केवल ब्राह्मण की बात नहीं है, यह शंख तो कॉमन लोगों का, शंख का विज्ञान समझिए। शंख से जब ध्वनि निकलती है, जब साउंड निकलती है, तो एक निश्चित प्रकार की रेडिएशंस, एक निश्चित प्रकार के वाइब्रेशंस उससे होते हैं और वो वाइब्रेशंस अपने आसपास वायरस को टिकने नहीं देते। इसलिए हमारे घरों में सुबह और शाम आरती के समय पर घंटा और शंख बजाने की परंपरा रही है। यह बहुत बड़ी वैज्ञानिक परंपरा है, यह दकियानुसी या किसी भी एक विशेष जाति की परंपरा नहीं है, यह बहुत बड़ी कॉमन परंपरा रही है। तो शंख बजाना, ऐसे ही आप अपने घर के बच्चों को लेके जाओ मंदिर में, छोटे घंटे नहीं बड़े घंटे, जहां बड़ा घंटा होता है उस घंटे के अंदर ले, उस घंटे के नीचे खड़े होकर उस घंटे को जोर से 5 बार 8 बार 10 बार बजाओ और नीचे खड़े हो जाओ। आपका शरीर स्वस्थ होता है, आपका मन स्वस्थ होता है, क्योंकि वो जो घंटा है उसकी जो आवाज है, वो इस प्रकार की जो एक विशेष प्रकार की ध्वनि है घंटे की, ये आपके विचारों में शुद्धता लाती है और विचारों की शुद्धता ही शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती है। इसीलिए बहुत महत्व की बात है। अब मैं कुछ डॉन्ट्स बताने के बाद, सावधानी बताने के बाद, जो आपको आपके घर में आपको बच्चों को करना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि जब एक बहुत बड़ी महामारी हमारे समाज पर आ रही हो और उससे हमें फाइट करनी है, तो उसके लिए जरूरी है हर व्यक्ति को तैयार होना चाहिए, और हर व्यक्ति में, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, सबको समझदारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। और वो समझदारी क्या है कि आइसक्रीम अभी खाना जरूरी नहीं है, जिंदगी होगी तो आइसक्रीम बाद में भी खा सकते हो। एक निश्चित टेम्परेचर तक कोरोना वायरस जीवित रहता है, मतलब 35 के आसपास जब टेम्परेचर आ जाता है तब कोरोना वायरस मरना शुरू हो जाता है। लेकिन फ्रिज की निकली हुई चीजें उसको जीवित करने के लिए पर्याप्त होती है, और फ्रिज की निकली हुई चीजें आपके अंदर इन्फेक्शन पैदा करती है, आपकी इम्यूनिटी कमजोर करती है। इसीलिए आइसक्रीम बहुत कॉमन खाते हैं। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि आइसक्रीम को गर्म करके खाओ, मजाक करते समय बोलते हैं अरे ठंडी चीज मत खाओ, आइसक्रीम भी खानी है गर्म करके खा लो। अगर ये मजाक का विषय था, लेकिन तो भी आइसक्रीम, ठंडा पानी, इससे बचो। फ्रिज में रखा हुआ दही, फ्रिज में रखी दाल, फ्रिज में रखी हुई सब्जी, फ्रिज में रखा हुआ आटा, उसका प्रयोग मत करो, बिल्कुल भी मत करो। और इन दिनों में क्योंकि मौसम भी ठंडा है, दूध भी फ्रिज में मत रखो, उसको भी एक बार बॉइल करो, 4 घंटे के बाद दोबारा बॉइल करो, फिर 4 घंटे के बाद दोबारा बॉइल करो, अगले दिन फिर ले आओ। कौन सी ऐसी है जो भैंस आज दे रही है और कल नहीं देगी? आप तो वैसे भी लोहे की भैंस का दूध लेना है, प्लास्टिक की थैली वाला दूध लेना भैया, कल फिर सुबह ले लेना, आज का जितना उतना कंज्यूम कर लो। तो उसकी रखी हुई चीजों को प्रयोग मत करो। और इसी तरह से साफ सफाई का हमारी भारतीय पारंपरिक जो तरीका है उसको, जूते पहनकर घर में प्रवेश करने की जो परंपरा अब खत्म, मतलब हमारे यहाँ जूते पहनकर घर में प्रवेश करने की परंपरा जो नहीं थी, जूते घर के बाहर ही रहते थे क्योंकि किसी प्रकार की चीजें साथ में न आए, उनको फिर से पालन करो। केवल रसोई में जूते नहीं लेके जाना, तो घर के बाहर भी शूज स्टैंड बनाइए, वहां रखिए, बाथरूम में जाइए साफ सुथरे होकर गत्ता बंद रहिए, और अगर इन्फेक्शन का अधिक कारण है तो बाहर से आने के बाद कपड़ों को बाथरूम में सीधा धोने के वाली जगह पर डाल दो, दूसरे कपड़े बदलो और उसके बाद मूवमेंट घर में करो। और अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है तो प्लीज, आवश्यक नहीं हर इन्फेक्शन कोरोना ही होगा, लेकिन कोरोना को लाने का बहुत बड़ा कारण हो जाएगा, और कोरोना होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन आपके घर के अंदर जो भय पैदा करेगा ना, अगर किसी को सर्दी जुकाम हो गया और थोड़ी छाती में जलन या थोड़ा सांस में कंजेशन हो गई, तो चाहे कॉमन निमोनिया क्यों ना हो, आपको आज कोरोना से कम नजर नहीं आएगा, और आप कोरोना से मरे ना मरे दहशत से जरूर मर जाएंगे। तो क्यों ना सावधानी रखी जाए। तो साफ सफाई, ठंडी चीजों का प्रयोग, डब्बा बंद चीजों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, जो भी बाहर से आती हैं पैक्ड फूड, वो आपकी इम्यूनिटी को खत्म करते हैं। सभी डिब्बा बंद चीजें, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हैं चाहे दूसरी चीजें हैं खाने वाली, वो बिल्कुल नहीं।
मैदे वाले प्रोडक्ट को भी बिल्कुल वर्जित करें। और एक बहुत की बात है, आप बेशक मांसाहारी हैं, आपको कोरोना आ गया तो ये नहीं है कि तुम ही मरोगे, जहां रहते हो उन सबको भी मारोगे। इसीलिए इन दिनों में थोड़े समय के लिए नॉन वेज का प्रयोग बंद करिए, चिकन है, मटन है, बाकी चीजें हैं, इनका प्रयोग बंद करिए। और एक गलत फहमी जो कॉमन लोगों में चल रही है, एक कई बार वीडियो एड आ गया था, कोई न्यूज आ गई थी कि अल्कोहल पीने वालों को कोरोना नहीं होता। अब यह बहुत कमाल की बात बताता हूं, क्योंकि मैं हेल्थ कंसल्टेंट हूं, मैं चिकित्सक हूं। अल्कोहल लीवर का बेड़ा गर्क करता है, और जिसका लीवर कमजोर होता है उसको इम्यूनिटी जरूर खराब होती है। तो कैसे अल्कोहल आपकी कोरोना वायरस से फाइट करा सकता है? हाँ, जो आप चीजें प्रयोग कर रहे हैं उनके अंदर अल्कोहल की मात्रा अधिक होनी चाहिए, समझ में आती है। कैसे? जैसे मान लो आप यही प्रयोग कर रहे हैं, हाथ धोने वाली चीजें, सफाई वाली चीजें, इनको आप प्रयोग कर रहे हैं, वो तो समझ में आती है, लेकिन अल्कोहल पीना शुरू कर दिया तो ये ठीक नहीं है, और इसीलिए ये मिथ है, इसको बचना। अब मैं बात कर रहा हूं उन लोगों के लिए जो चिकित्सा जगत में काम करते हैं, या फिर योग, नेचुरोपैथी, फिजियोथेरेपी वाले लोग हैं, जिनके पास लोग बाहर से आते हैं। आपको कैसे पता है कि इसको इन्फेक्शन है कि नहीं है? क्या उसके माथे पर लिखा है? यस, माथे पर लिखा है, लेकिन क्या आपको माथा पढ़ना आता है? तो मैं आज आपको माथा पढ़ना सिखाता हूं, कैसे समझें कि सामने वाले को इन्फेक्शन है कि नहीं है। तो मैं एक उपकरण, एक मशीन आपको दिखा रहा हूं। ये मशीन है, इसका नाम ही है नॉन कॉन्टैक्ट इंफ्रारेड थर्मामीटर। बिना संपर्क में आए ही इंफ्रारेड के माध्यम से सामने वाले का टेम्परेचर जान ले। जैसे मान लो यही है, ऐसे करके इसको जाना जाता है, लेकिन अभी यहां यानी इतना डिस्टेंस रखना है, चार अंगुल, कम से कम चार अंगुल, और छह इंच से अधिक नहीं होना चाहिए। तो चार अंगुल पर इतना डिस्टेंस से ऐसे दबाया बटन, तभी आपको ये टेम्परेचर आ जाएगा कितना है सामने वाले का। 98 इस मशीन के हिसाब से टेम्परेचर होना चाहिए। अगर वो 99 प्लस है, 100 है, तो इसका कलर ऑरेंज या रेड हो जाएगा। अगर ऑरेंज या रेड आ गया तो समझ लो वो उसको इन्फेक्शन है। कौन सा इन्फेक्शन है, इसका काम, इसको इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। तो आप भी जो नॉर्मल लोग जिनके पास आते हैं, वो अपने घर में ये रख लें, बहुत महंगी नहीं आती है, कम पैसों में, लेकिन आपकी जान से महंगी नहीं है, 3 से 5 हजार के बीच में अलग अलग क्वालिटी की ऐसी मिल सकती है, लेकिन तो भी आपकी जान ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आने वाले हर व्यक्ति को अपने घर के अंदर ऑब्जर्व करें, और अगर आपका सेंटर है, आप ट्रीटमेंट करते हैं, आप चिकित्सक हैं, तब आपके पास इसका होना बहुत जरूरी है। क्यों? आने से पहले ही अगर आपको पता चल गया, तब आप मास्क भी लगा लेंगे, आप सैनिटाइज भी कर लेंगे, और आप पूरी प्रिपरेशन भी कर लेंगे, जिससे कि सामने वाले को भी बचाएंगे और खुद भी बचाएंगे। तो हम भारतीय लोग एक श्रेष्ठ भारतीय संस्कृति के धनी, जो दुनिया को कोरोना जैसी बीमारी से निजात दे रहे हों, क्या हम खुद कोरोना से बचने के लिए सिद्ध हैं, या हम भी उसकी चपोट में आ जाएंगे? आज मैंने आपको बहुत सारी चीजें शेयर की हैं। आप अपने दोस्तों को एक वीडियो भेजिए, आप उनको बताइए, और होली वाला जो प्रसंग है इसको जरूर बोलिए, इंसिस्ट करिए, फोन पर बात करिए, SMS से बात करिए, ये चीजें होली पर वो जरूर डालने के लिए चाहें, जितनी क्षमता उतनी डालें। तो यह वीडियो कोरोना के विरुद्ध भारत की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण साबित हो, अपनी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो, और भारत जीते, कोरोना हारे, ऐसे संकल्प के साथ मैंने रिकॉर्ड किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिजियोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से, और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।